सबसे पहले स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती रहती है और हमें बताया जाता है कि अब स्कूल फिनिश हो जाता है नरेटर का और वो आगे पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है। तो अब क्योंकि नरेटर भी बड़ा हो गया है तो उसे एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है, एक अलग से रूम दे दिया जाता है। अब तक जो नरेटर है अपने ग्रैंड मदर के साथ रूम शेयर करता था, अब ये जो कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का वो भी ओवर हो जाता है, वो टूट जाता है। तो वो कॉमन लिंक क्या था कि उनका एक कॉमन रूम था, वो सेम रूम शेयर करते थे। तो स्कूल के बाद एटलीस्ट आकर वो दोनों एक रूम में होते थे, अपनी बातें शेयर करते थे। लेकिन अब क्योंकि नरेटर बड़ा हो चुका है, उसको रूम भी अलग मिल गया है। हिज ग्रैंड मदर कन्फाइंड हर सेल्फ टू सेल्फ इम्पोज सिक्लूजन। तो जो नरेटर की ग्रैंड मदर है वो अपने आप को हमेशा अकेला रखती थी। सिक्लूजन का मतलब होता है लोनली, और वो लोनलीनेस सेल्फ इम्पोज थी, वो चाहती थी कि वो लोनली रहे। कन्फाइन मतलब अपने आप को एक चीज में सीमित रख लेना। तो ग्रैंड मदर ने अपने आप को सेक्लूजन में, लोनलीनेस में, अकेलेपन में रख लिया था, उसमें सीमित कर लिया था। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम रिसाइटिंग प्रेयर एंड बाय सिटिंग बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील। ज्यादातर टाइम जो अपना वो स्पेंड किया करती थी, या तो वो प्रेयर करती थी या फिर स्पिनिंग व्हील के पास बैठ जाया करती थी। स्पिनिंग व्हील क्या होता है? ये चरखा होता है। स्पिनिंग व्हील को समझने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। ये एक स्पिनिंग व्हील है और यहाँ से थ्रेड जाता है और इससे थ्रेड ही बनता है। तो जो ग्रैंड मदर होती थी वो ज्यादातर टाइम अपना स्पिनिंग व्हील पे ही स्पेंड करती थी, इसे हाथ से घुमाती थी। शी रेयरली टॉक टू एनीवन। वो बहुत कम किसी से बात करती थी, बस अपना ही बिजी रहती थी। या तो वो पूरा दिन प्रेयर्स करती रहती थी, पाठ पूजा करती रहती थी, या फिर स्पिनिंग व्हील पे अपना टाइम स्पेंड करती थी। द ओनली डाइवर्जन फॉर हर वॉज इन द आफ्टरनून व्हेन शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द पैरोस। तो पूरा दिन बस दोपहर में ही वो रिलैक्स करती थी और उस टाइम पे वो क्या करती थी, आराम से बैठ के स्पैरोस को फीड करती थी, उन्हें दाना डालती थी। जितनी भी वहां पे उनके वेरांडा में स्पैरोस आती थी उन्हें वो फीड करती थी, और उन्हें फीड करके ग्रैंड मदर को बहुत अच्छा लगता था। इन विलेज शी यूज्ड टू फीड स्ट्रीट डॉग्स। तो जब वो विलेज में रहा करती थी तो वहां पे वो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती थी, उन्हें स्टेल चपातीस देती थी। बट यहाँ सिटी में वो स्पैरोस को फीड करती है। और ये जो स्पैरो हैं वो भी ग्रैंड मदर के साथ काफी फ्रेंडली हो चुकी हैं, उन्हें स्पैरोस को भी हैबिट पड़ चुकी है उनके वेरांडा में आने का। एंड वो आकर हमेशा ग्रैंड मदर के साथ बैठ जाया करती थी, और कभी कभी स्पैरोस जो है वो ग्रैंड मदर के शोल्डर पे चढ़ जाती थी, और उनके कभी हेड पे चढ़ जाती थी, हाथ पे बैठ जाती थी, और स्पैरोस उनसे डरती नहीं थी, वो काफी फ्रेंडली हो चुकी थी। फीडिंग द स्पैरोस वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आर ऑफ द डे फॉर हर। तो जिस टाइम पे वो स्पैरोस को दाना डालती थी वो हाफ आवर उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी भरा टाइम होता था। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि अब नरेटर को अपनी हायर एजुकेशन के लिए एब्रॉड भेजा जाता है। वो डिसाइड करते हैं, नरेटर के जो पेरेंट्स होते हैं, कि हम आगे पढ़ाने के लिए से अपने देश से बाहर भेजेंगे। तो पूरी फैमिली के साथ नरेटर की ग्रैंड मदर भी रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ जाती है नरेटर को, और नरेटर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसी एज है ग्रैंड मदर की, पता नहीं वो दोबारा कभी अपने ग्रैंड मदर को देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, क्योंकि एक बार वो एब्रॉड चला गया तो वो काफी सालों बाद अपने घर वापस आएगा, तो पता नहीं तब तक ग्रैंड मदर रहेंगी कि नहीं रहेंगी। सो ही वॉज रियली टेंस। बट ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा काम होती हैं, शांत होती हैं एकदम, और वो बिजी होती हैं अपने रोजरी की बीड्स में, वो प्रेयर कर रही होती हैं जैसे कि वो हमेशा करती हैं। तो ग्रैंड मदर के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी टेंस नहीं होते, वो बिल्कुल शांत होती हैं और अपनी प्रेयर्स कर रही होती हैं जैसे कि वो आमतौर पे करती हैं। जब नरेटर 5 साल बाद वापस आता है तो वो ग्रैंड मदर को मिलता है और बहुत खुश होता है, और वो देखता है कि ग्रैंड मदर पहले से भी ज्यादा रिलीजियस हो चुकी हैं, वो बहुत ज्यादा पहले से भी ज्यादा प्रेयर करती हैं और पहले से ज्यादा सेल्फ पोजेस्ड भी हो चुकी हैं। पहले भी वो अकेली रहती थी लेकिन अब बहुत ज्यादा अकेली रहती है, हमेशा अपने में ही बिजी रहती है और ज्यादा किसी से बिल्कुल भी बात नहीं करती।
जितना टाइम वो पहले स्पेंड किया करती थी प्रेयर्स में और स्पिनिंग व्हील में, अब उससे भी ज्यादा टाइम वो प्रेयर्स और स्पिनिंग व्हील में टाइम स्पेंड करती हैं। ऑलमोस्ट पूरा दिन बस वो प्रेयर करती रहती हैं और स्पिनिंग व्हील पे बैठती हैं, और उनका फेवरेट काम बर्ड्स को फीड करती हैं, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बाय दिस टाइम ग्रैंड मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, क्वाइट ओल्ड। तो अब हमें बताया जाता है, स्टोरी काफी आगे बढ़ती है, ग्रैंड मदर का ये रूटीन था कि वो सुबह उठती हैं, अपना नहाती धोती हैं और फिर प्रेयर करती हैं, पूरा दिन प्रेयर, स्पिनिंग व्हील और स्पैरोस को फीड करने में उनका निकल जाता है। लेकिन अपनी डेथ से एक दिन पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम ये रूटीन ब्रेक करी थी और अपनी प्रेयर्स भी एक टाइम की छोड़ दी थी। वो दिन कौन सा था? वो दिन था जिस दिन नरेटर घर वापस आता है और उसकी खुशी में जो ग्रैंड मदर होती है वो आसपास की जो महिलाएं होती हैं, आसपास की जो विमेन होती हैं, उन्हें इकट्ठा करती हैं ताकि वो घर में थोड़ा सा गाना बजाना करें, सेलिब्रेट करें, और इस सेलिब्रेशन के चक्कर में वो अपनी एक टाइम की प्रेयर नहीं कर पाती। दैट डे शी सैंग द सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स विद द वुमेन ऑफ नेबरहुड टू सेलिब्रेट हर ग्रैंडसन्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो वो गाना गाती हैं जैसा कि वॉरियर्स जब घर आते हैं, जो सोल्जर्स घर आते हैं किसी जंग को जीत के, तो उनकी खुशी में जैसा गाना गाया जाता है वैसा वो गाना गाती हैं नेबरहुड की विमेन के साथ मिलके अपने ग्रैंडसन की रिटर्न पर, क्योंकि उनका ग्रैंडसन 5 सालों बाद एब्रॉड से घर वापस आया था। तो वो बहुत खुश थी और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी एक टाइम की प्रेयर छोड़ देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये माइल्ड फीवर है, थोड़ा सा फीवर है एंड ये फीवर ठीक हो जाएगा, जल्दी चला जाएगा फीवर। बट ग्रैंड मदर वॉज श्योर कि नहीं, कुछ डिफरेंट है। ग्रैंड मदर ये डिक्लेयर कर देती हैं कि उनका एंड अब बहुत पास है, उनकी डेथ होने वाली है, उन्हें इस चीज का एहसास हो जाता है पहले ही। अब वो कहती हैं कि वो अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किसी से बात करके, और वो चुपचाप अपने बेड पे पीसफुली लेट जाती हैं और प्रेयर करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक टाइम की प्रेयर छोड़ दी थी तो ये उसी की सजा है, उन्हें प्रेयर नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो उन्हें इस चीज का रियलाइज होता है और वो किसी से भी बात करने से मना कर देती हैं और प्रेयर करती रहती हैं। शी प्रेयर्ड, हर लिप्स वर मूविंग कॉन्टिन्यूसली इन प्रेयर। और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जैसे प्रेयर करते करते रोजरी मूव कर रही थी, एक एक बीड उस माला का मूव कर रही थी, तो सडनली क्या होता है, रोजरी उनके हाथ से गिर जाती है फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे हमें पता लगता है कि ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। अब ग्रैंड मदर की फ्यूनरल की तैयारी की जाती है, तो इवनिंग में क्या होता है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, बहुत सारी स्पैरोज ग्रैंड मदर की डेथ पे मौन करने आती हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। वेरांडा में ग्रैंड मदर की बॉडी को रखा होता है, वहीं पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आती हैं और वेरांडा में आकर बैठ जाती है, और वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस होती है, एक भी स्पैरो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, वो बिल्कुल साइलेंस में बैठी होती है अपना दुख दिखाने के लिए कि उन्हें कितना दुख है। तो जो नरेटर की मदर होती है वो स्पैरोज को थोड़े से ब्रेड क्रम्स देती है, उनकी तरफ ब्रेड क्रम्स फेंकती है, लेकिन एक भी स्पैरो ब्रेड क्रम नहीं खाती, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। और थोड़ी देर बाद स्पैरोस सब उड़ के चली जाती हैं जैसे ही डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है। तो इससे पता लगता है कि इवन द स्पैरोस वर रियली सैड एट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, वो भी अपना दुख दिखाती हैं वहां पे वेरांडा में बैठकर, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है और कुछ भी नहीं खाती। और नेक्स्ट डे स्वीपर आके वो सारी ब्रेड क्रम्स साफ कर देता है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सबसे पहले स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब